सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप लोडेड रिवर्स बेस। बेसिकली जो हम लोग डीजे चलाते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली आज का दिन है क्योंकि हम बेस के ऊपर बात करेंगे किस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी एक छोटी से छोटी नट बोल्ट से लेके किस तरीके का उसको स्पीकर यूज किया उसकी बात करेंगे। आज हम लोग चलते हैं और अपने बेस की बात करते हैं। आइए चलिए दोस्तों चलकर देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा जरूर आएगा। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक नए मेहमान से मिलने के लिए लेके आया हूँ, तो चलिए दोस्तों आज के नए मेहमान से हम लोग मिलते हैं। ये हमारा सिंगल बेस है दोस्तों, टॉप लोडेड स्पीकर है, इसके अंदर रिवर्स बेस देता है। बेसिकली दोस्तों जो हम लोग डीजे घरों में पार्टियों में यूज करते हैं वहां पर इस टाइप के ही स्पीकर यूज किए जाते हैं बेस के लिए। और जो लाइव साउंड होता है उसके अंदर दोस्तों फ्रंट लोडेड होता है, आपने देखा होगा जहां तक आगे की तरफ उसके अंदर स्पीकर दिया जाता है, इसके अंदर टॉप का ऊपर से स्पीकर दिया हुआ है और इसका जो बेस है वो रिवर्स होके आता है, रिवर्स होके बाहर की तरफ से बेस आपको सुनाई देता है। और साउंड की क्वालिटी कुछ इस तरीके की है जो कि आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा किस तरीके की है, पूरा का पूरा हिला के और जिस तरीके से साउंड देता है, पंप देता है, धमक देता है, वाइब्रेशन देता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर काफी चीजें ऐसी है जो की इम्पोर्ट की हुई है, बेसिकली इसके अंदर जो स्क्रूज वगैरह भी है ना वो भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से है। कुछ टी नट्स इसके अंदर है, कुछ नायलॉन के जो बार्सा वाले नट है वो इसके अंदर यूज किए, मैं भी इसके अंदर आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर सिंगल स्पीकर यूज किया हुआ है, बेसिकली जिन लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। T1 का एक 1200 वाट का स्पीकर था जिसको मैंने अनबॉक्स भी किया था और उसका साउंड चेक भी कराया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वही स्पीकर मैंने इसके अंदर यूज किया है, मैं इसको खोल के दिखाऊंगा आपको। वैसे तो जो आप वीडियो में अंदर अभी देखेंगे पूरा पूरा स्पीकर आपको एनालाइज ही कराऊंगा किस तरीके से लगाया हुआ है, किस तरीके से इसमें यूज किया हुआ है, वायरिंग कैसे दी हुई है, सभी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इसको पहले देखिए कि इसकी क्वालिटी किस तरीके से है, हमने इसके अंदर किसी भी उसकी ब्रांडिंग नहीं की हुई है कि किसी कंपनी का यह है, बेसिकली जो हमारे मैन्युफैक्चरर है उनका आपको नंबर लास्ट में दे दिया जाएगा और एड्रेस दे दिया जाएगा, आप अपना बेस जो है सिंगल तैयार करा सकते हैं। और ये रिवर्स बेस है दोस्तों, इसकी जाली जो है ये कस्टमाइज है अपने नाम के हिसाब से बनाई जाती है। ये जो पेंट आप लोगों को दिख रहा है ये चमक के साथ है और इसका जो पेंट का लुक है वो आप देख सकते हैं लाइट के हिसाब से और ज्यादा बेहतरीन होता जाता है, जैसे जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ती है ये उतना ही बेहतरीन होता जाता है, ये शार्पनेस इसकी देखेंगे। एक्चुअल में क्या दोस्तों ये कई क्वालिटीज में बनता है कि आप इसको मरीन वाली प्लाई में किसी भी प्लाई में आपको जैसा पसंद हो, साउंड जैसा आप चाहते हैं, जैसा पैसा कट कर सकते हैं उस तरीके मतलब बना सकते हैं इसको। हम लोगों ने जो ये बेस किया है रिवर्स बेस, इसके अंदर दो तरह की क्वालिटी बनाई जा सकती है, जैसे कि हम लोग चाहते हैं जिसकी पॉकेट अलाउ करके दोस्तों वो इम्पोर्टेड स्पीकर इम्पोर्टेड ड्राइव और A1 क्वालिटी का इसको बनवा सकता है, उसका मैच आप किसी से नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी जबरदस्त कंपनी हो उसके साथ उसका मैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि असेंबल जो चीज होती है वो हमारी आंखों के सामने है, हमने उसके अंदर क्या चीज लगाई है वो हम लोगों को पता है, तो आप अपनी तरफ से इसे असेंबल कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो उसमें आप एक इंडियन स्पीकर ले सकते हैं, इंडियन ट्राइगर बना सकते हैं मैन्युफैक्चर का, मैं आपको लास्ट में दे दूंगा जो बनाते हैं, आप अपने वाले बनवा सकते हैं इस चीज को, अपने यहाँ पर भी तैयार करा सकते हैं, अगर वहाँ पर कोई अच्छा मैन्युफैक्चर है तो आप उसे तैयार करा लीजिए, स्पीकर आप इम्पोर्ट करा लीजिए, Q1 का स्पीकर इम्पोर्ट का मैंने पीछे जो वीडियो बनाई आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसका साउंड चेक करने जाता हूँ कि इसका साउंड मैं आपको एक बार सुना दूँ, फिर इसको फिर खोलेंगे हम लोग किस तरीके से इसके अंदर स्पीकर है फिट है, जैसे कि हम लोग कार के रिवर्स से इसमें फ्रंट की साइड से जो वॉल्यूम आएगा इसका बेस आता है घूमकर वो यहाँ से घूमता हुआ आगे से आता है, यहाँ जो स्पीकर है वो उल्टा करके लगाया हुआ है, तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग साउंड चेक करते हैं फिर वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए साउंड चेक करते हैं। दोस्तों अब हमने जो बेस है हमारा रिवर्स बेस उसको चेक करने आ रहे हैं, आप साउंड को जरा गौर से सुनिएगा और इस बीच में मेरी आवाज नहीं आएगी, आप अपनी उंगली को देखिएगा कि हम किस तरीके से और कितनी इसकी वॉल्यूम बोल रहे हैं और बेस किस तरीके चला। तो दोस्तों साउंड चेक,
इसी में महसूस कर लिया किस तरीके का है। तो अब हम लोगों ने इसका साउंड चेक कर लिया, अब हम इसको खोल कर देखते हैं किस तरीके से इसमें स्पीकर लगेगा। तो दोस्तों आइए चलिए चलकर इसको खोल कर देखते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज हम लोगों ने पूरा का पूरा बेस को जो सिंगल बेस है उसको देखना है किस तरीके से बनाया जाता है, साउंड को किस तरीके से चलाया जाता है। तो आइए चलते हैं इसको देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आइए दोस्तों अपना टॉप लोडेड जो बेस है इसको हम लोग खोल के देखते हैं। आप लोग बेसिकली जैसे ये देख रहे हैं ये एलन की नट्स होते हैं, इसको एलन की से ही खोला जाता है। ये एलन की है, इनको स्पेशली खोलने के लिए होती है। जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इनमें स्क्रू मार देते हैं सीधे सीधे, उससे जो है इसमें इतना इफेक्टिवली नहीं आता है कि इसको आप लोग बार बार खोल के अपने कर सके। एलन की से इसको खोलने में थोड़ा सा आसानी होती है और आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। और ये हमारा बेस जो बसता है तो उसके अंदर ये वाइब्रेशन के थ्रू ढीले भी नहीं होते हैं। इसमें एक अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले मैं इसे खोल लेता हूँ फिर अंदर की आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमने जो स्पीकर है आप जैसे देख सकते हैं ये टॉप लोडेड लगाया हुआ है और इसको हमने रिवर्स करके लगाया हुआ है। इसके अंदर जो हमारा बेस है वो बेसिकली यहाँ से जाकर नीचे थंब करके सीधा जो जाता है वो इसके अंदर जाता है। दोस्तों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एल एन की बोल्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं जो कि की से मैंने आपको खोल के दिखाया था। बेसिकली इस बोल्ट को जो हम लोग लगाते हैं तो इसके नीचे ये नीचे आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा अंधेरा है तो देख नहीं पा रहे ढंग से, तीन नट होता है दोस्तों जो नीचे इसके लगाया जाता है और उस पर जब ये कसता है ऊपर से तो लकड़ी के ऊपर कोई भी मतलब जो हमारे बॉक्स है उसके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, इससे ये इजीली कस जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्पीकर है बेसिकली ये जो हमने जो यूज किया हुआ है वो यही वाला बोल्ट यूज किया हुआ है आपका एलन की बोल्ट जिसे कहते हैं। और इसको जो हमने यूज करने के लिए अंदर से इसके जो नट लगाया है वो एक स्पेशल नट होता है दोस्तों, ये नायलॉन लॉक नट होता है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक नायलॉन का पार्सल होता है जो कि इसको लॉक कर देता है। बेसिकली जब हमारा स्पीकर फुल वाइब्रेशन मोड पे होता है तो हमारे जो पेचेज होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, मगर ये वाला जब नट और बोल्ट हम यूज करते हैं एल एन टी वाला तो ये एक बार जहाँ लॉक हो गया उसके बाद ये फिर दोबारा वहां से फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये कहीं पर भी आपका हिलता नहीं है, आपका स्पीकर बिल्कुल भी नहीं सकता, इसकी फुल वारंटी होती है। ये लाइन ऑन का इसके अंदर लॉक है, ये लॉक हो जाता है और इसको खोलने के लिए की आपकी एल एन की इसी से खुलता है। और हमारा जो इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ दोस्तों आपने पहले भी इसकी वीडियो देखी थी, ये Q1 का आपका इम्पोर्ट वाला स्पीकर है, 1200 वोल्ट का पीक के ऊपर आपका 2000 वोल्ट देता है। इसका बेस आप लोगों ने देख लिया है और ये इसका इनबिल्ट स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया है। तो दोस्तों बेसिकली बात यही है कि आप लोग कभी भी कोई भी बेस यूज करते हैं तो उसको उसके बेस से यूज कीजिए कि किस बेस से या किस पर्पज से आप लोग उसे यूज कर रहे हैं। अगर आप उसे पार्टी में यूज कर रहे हैं सिंगल बेस है तो ज्यादातर इस टाइप के ही बेस यूज किए जाते हैं, फ्रंट लोडेड बेस जो है आपके वो लाइव कॉन्सर्ट वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और लास्ट में लोगों को आप सभी भाइयों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वाला बेस मंगाना चाहते हैं बनवाना चाहते हैं अपने वहां पर पहले ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन पाता है तो नीचे ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी भिजवा दिया जाएगा, आप लोग आकर भी ले सकते हैं। ट्राई यही कीजिए कि आपके वहां मिल जाता तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिल पाता है तब लास्ट में आप लोग इस वाले नंबर पर ट्राई कीजिएगा, आपको बना के दे दिया जाएगा। और Q1 का स्पीकर दोस्तों फर्स्ट क्लास वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त है, आप लोगों को पसंद जरूर आएगा, आप लोग इसको इंपोर्ट से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सदा खुश रहिए।